हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसा कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे है सुबह बने हुए मेरे पास चने। ये काले वाले चने हैं जो मैंने सुबह बनाए थे और ये ज़्यादा ही क्वांटिटी में बन गए। तो सो फ्रेंड्स, इनको हम वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आज हम इनसे बनाते हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है ग्राइंडर जार, जो हमारे सुबह के बचे हुए चने हैं उनको इसमें डाल लेंगे हम। हमने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे एक गांठ लहसुन की और अदरक के टुकड़े, 4 से 5 हरी मिर्ची, 1 चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे साबुत जीरा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी हमारी बहुत ही जल्दी बनके रेडी होती है। यूं कहिए कि पके हुए चने हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हमारे चने भी ग्राइंड हो चुके हैं, देखिए इसको, हमें इसको इतना ही पीसना है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे तेल। ये लगभग हमारा 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, तड़के वाली राई 1/2 चम्मच, चिटकी भरी हींग, 4 से 5 साबुत लाल मिर्ची, 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने ना छोटे साइज का और ना बड़े साइज का काटा है, इसे मैंने मीडियम साइज का काट रखा है, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भुनना, तो इसके लिए फ्रेंड्स जो हमने चने पीस रखे थे उनको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। चने पके ही हैं तो हम इनको 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका और पिसे हुए चने की सब्जी बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी। 2 मिनट चलाने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं मसाले, क्योंकि पहले से इसमें मसाले वगैरह थे, थोड़े थोड़े से हमारे बेसिक मसाले ऐड करेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे आप इसमें, हल्दी पाउडर, धनिया का पाउडर। मैं यहाँ पे जीरे का पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें जीरे का पाउडर यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी साबुत जीरा डाल रखा था। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इसकी जगह आप नॉर्मल मिर्ची यूज कर सकते हैं। भूनेंगे 1 मिनट तक, अच्छी तरह से भून लेंगे मसाला पकने तक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, सो फ्रेंड्स अब हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस उबाल आने तक हम इसको पका लेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे आज के ये बचे हुए चनों के डुबकों की रेसिपी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि डुबकों में उबाल आ चुका है, अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। सो फ्रेंड्स, इसको आप सर्व करें चावल के साथ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है चावल और इसका। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।